इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज, मैं हूं श्रीकांत पांडे। इस वक्त सिद्धार्थ नगर के खेसराहा ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ, ग्राम पंचायत नेतारी। आपको दिखाते हैं यहाँ पे गंदगी की एकदम क्या व्यवस्था है, और इस गंदगी से लोगों को बीमारियाँ फैल सकती हैं। आने वाले समय में यदि इसका किसी तरह से इलाज नहीं किया गया तो बहुत बड़ी बीमारी लोगों को ग्रसित कर सकती है। इसी पे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? अजीरुन्निसा। क्या समस्या है आपकी? यही समस्या है कि हमारे सामने गढ़ी है और नाला जो प्रधान बनवाए हैं उस पर ढक्कन नहीं डाले हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी को नाक करके आते हैं जाते हैं, उसी में गिर जाते हैं। दो बार हमारे बच्चे गिर चुके हैं, खतरा से भी बच नहीं पाएंगे। दो बार चोट भी लग गई है हमारे बच्चे को, छोटे वाली 2 साल की बच्ची है, उसी नाले में गिर गई थी। प्रधान जी से कभी आपने कहा? प्रधान जी से एक बार बोली थी, जिस दिन नाला खुदवाए थे उसी दिन गिरी थी। तो बोले थे जब नाला बन जाएगा तो उस पर ढक्कन में डाल दूंगा, जो गढ़ी है, लेकिन ढक्कन नहीं डाली। पानी इसमें जाता है, बदबू कर रहा है, इसके बारे में? ये जो गढ़ी है सामने, तो बदबू बहुत, सोते उठते बैठते हमेशा हमारे सामने ही है, बहुत ज्यादा गंदगी है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं इसको साफ करवाइए। साफ करवाया जाए? हाँ, साफ करवाया जाए। तो कभी आपने प्रयास किया शासन प्रशासन से? सभी लोग बोलते हैं गांव के, हम लोग भी कहते हैं। एक बार खुदवाए थे लेकिन पूरा साफ नहीं हुआ था। पूरा साफ नहीं हुआ? हाँ, पूरा साफ नहीं हुआ था। आपको चाहिए साफ सफाई? साफ सफाई चाहिए। नाले पे ढक्कन? नाले पे ढक्कन चाहिए। आपकी समस्या का निदान होगा? हमारा नाम ईसा। सामने गांव के मुख्य मार्ग पे गड्ढे में काफी कचरा है, जिसका बदबू आने जाने वाला ले रहा है, वहां रहने वाले काफी परेशान है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बीमार हो जा रहे हैं सब, जितने हैं घर किनारे है सब बीमार हो, परेशान हो जा रहे हैं। इसकी शिकायत कभी आपने किसी से करी? बहुत बार किए हैं, प्रधान से किए हैं, ब्लॉक पे जा किए हैं, कोई सुनते नहीं है। कोई नहीं सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। सड़क देखो कितना पड़ा पानी, बरसात एकदम ठेवना भर पानी भरा, रात यहाँ से वहाँ तक पूरा। क्या चाहते हैं? उसको बनवाना चाह रहे हैं, गड़े साफ करा ले। अच्छा, सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी तो बरोबर काम कर रहा है। अच्छा, आवत बेचाप गढ़िया खोदे थोड़ी जाई, और बाकी बड़ी परेशानी है गांव में है। और क्या समस्या है? और समस्या ये सब है, सड़क का समस्या है, ना राशन बरोबर मिलत है ना कुछ मिलत है। राशन की भी समस्या है? हाँ, राशन भी समस्या है। अगले महीना कई महीने हम देते हैं, मैं ये दिक्कत है खम्भा से। नाम बताएं अपना। नाम शफीक। शफीक भाई, क्या समस्या है? एक खम्भा लाइट के। क्या समस्या है इसमें खम्भे में? घर के सामने से लाइट गया है, तार है। अच्छा। हाँ, 11,000 वोल्ट लाइट है। आपका घर कहाँ है? ये सामने है, वही इसी पे। ये सामने? हाँ। तो खम्भा आपके सामने नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा? अरे कहीं और लगवा दिया जाए, जगह बहुत है। हर चाहे जहाँ लाइट का फायदा आप लेंगे। दिक्कत है मर्दे। अरे तो इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर खंभा नहीं रहेगा तो लाइट कैसे लेंगे आप? दूसरे जगह से आई, दूसरे कचरे के बारे में क्या कह रहे हैं? इस कचरे के बारे में? कचरे के बारे में तो साफ होता, फिर ऐसी हो जाता है। तो कैसे ऑटोमेटिक हो जाता है? इतना घास भूसा जामा है, वो तो पैदा इसी में से होते रहता है। अच्छा, आपको समस्या अपने खंभे से है? हाँ, तार हमारे घर के ऊपर गया है। अच्छा। हाँ, ये समस्या है वो आपकी समस्या? और कोई दिक्कत नहीं है? और कोई दिक्कत नहीं, नहीं। ये कचरा क्या है? कचरा होता है साफ, फिर हो जाता है इसी। तो कौन करता है इसको? गांव के करते हैं, सब प्रधान कराते हैं, साफ कराते हैं प्रधान, फिर इसी हो जाता है। प्रधान जी साफ कराते हैं, उसके बाद फिर वैसे हो जाता है। इसका मतलब गैर जिम्मेदार लोग हैं गांव के, कि इलाके यहाँ फेंक देते हैं। आज हमने विकास खंड खेसराहा के नेतारी ग्राम पंचायत की जो है साफ सफाई की समस्या से आपको अवगत कराए। हमारे न्यूज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज।